भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा T20 इंटरनेशनल मुकाबला मंगलवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 49 रन से हरा दिया। हार के बाद भी टीम इंडिया ने 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 227 रन का स्कोर बनाया। इसके जवाब में भारतीय टीम निर्धारित 18.3 ओवर में 178 रन ही बना सकी। भारत के लिए दिनेश कार्तिक ने 46, दीपक चाहर ने 31 और ऋषभ पंत ने 27 रन बनाए। 2017 के बाद यह पहला मौका है जब भारत घरेलू धरती पर लक्ष्य का पीछा करते हुए कोई T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच हारा है। वहीं साउथ अफ्रीका के लिए रूसो ने नाबाद 100 रन की शतकीय पारी खेली। रूसो का ये पहला शतक है। वहीं क्विंटन डिकॉक ने 68 और स्टब्स ने 23 रन बनाए। कैबिड मिलर ने छक्कों की हैट्रिक लगाते हुए 5 गेंदों पर नाबाद 19 रन बनाए।